तो ये किनन का 100 ई मॉडल जैसे कंडीशन 10.9 कंडीशन है, और इसके अगर प्राइस की बात करें ये 40K में है। तो ओवरऑल इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन इसकी साफ सुथरी कंडीशन, किनन का ये 100 ई मॉडल है और इसके आटो बॉक्स पॉइंट भी इसके अंदर माइक ऑप्शन नहीं है और इसके प्राइस 40K है, 40,000 रुपये। तो उसके बाद हमारे पास 6D पड़ा हुआ है जिसकी कंडीशन 10.9 कंडीशन है और आप इसको दिख भी सकते हो, तो डब्बा भी है और साथ में बैटरी चार्जर, साथ में 3 महीने गारंटी भी है। और इसे कंडीशन की बात करें, कंडीशन आप लोग के सामने है और इसका 3 महीने गारंटी मिलेगी। ये फुल फ्रेम बॉडी, ये क्रॉप सेंसर नहीं है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये जस्ट बॉडी आपको मिल जाती है 85,000 रुपये में, सिर्फ बॉडी है। किनन का ये 6D मॉडल जिसके अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है एंड इसके जो 11 टॉप पॉइंट भी, और इसकी कंडीशन साफ सुथरी कंडीशन है, किनन का ये 6D मॉडल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ किनन का 7D मॉडल पड़ा हुआ है जिसकी कंडीशन आप लोग के सामने साफ सुथरी बॉडी है और ये क्रॉप सेंसर है। बाद लोग समझते हैं कि ये 6D से अच्छा मॉडल, लेकिन ये 6D से अच्छा मॉडल नहीं, ये हल्का है। किनन का ये 7D मॉडल है और जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है लेंस के साथ आपको 50,000 रुपये मिल जाते हैं और कंडीशन इसकी साफ सुथरी कंडीशन है। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है निकॉन का D90 मॉडल पड़ा हुआ है जिसे कंडीशन 10x10 कंडीशन है और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये जस्ट बॉडी का प्राइस 22,000 रुपये विद बैटरी चार्जर और मुकम्मल किट, और साथ में आपको 3 महीने गारंटी मिल जाता है। निकॉन का D90 मॉडल कंडीशन आप लोग के सामने है, साफ सुथरी कंडीशन है, 10x10 कंडीशन, और ये बाहर की आई हुई बॉडी है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है किनन का 1200D मॉडल पड़ा हुआ है जिसे कंडीशन में कहूँगा 10.9.5 है, साथ में बुक्स भी है, ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर, ऑल एसेसरीज, 1855 लेंस, 32GB कार्ड, बैग, मुकम्मल किट आपको मिल जाती है 35K में, 35,000 रुपये का है। कैमरे के प्राइस ऊपर चले गए क्योंकि प्राइस अब ऊपर हो गया हुआ है डॉलर के हिसाब से और बाहर से इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो उसकी प्राइस ऊपर किनन का 1200D मॉडल जिसकी मैंने आपको प्राइस बता दिया 35K। उसके बाद हमारे पास पड़ा किनन का 2000D पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है और ये 24 मेगापिक्सल भी है, लेकिन इसके अंदर माइक ऑप्शन नहीं है और ये ब्रांड न्यू पीस है, 10x10 कंडीशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है। इसके साथ बुक्स भी है और इसका जो शटर काउंट की अगर बात करें तो सिर्फ 800 शटर काउंट इसका क्लिक हुआ हुआ है क्योंकि ये बाहर से बॉडी आई हुई है और इसके अंदर माइक ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं और कंडीशन आप लोग के सामने बिल्कुल 10x10 कंडीशन है ये बॉडी। उसके बाद हमारे पास पड़ा किनन का 700D मॉडल पड़ा जैसे कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये 10.9 कंडीशन है और ये ब्लॉगिंग के लिए अच्छी ऑप्शन है और आप इसको देख भी सकते हो, साफ सुथरी कंडीशन है, रोटेटेबल LCD है, माइक ऑप्शन भी है और टच LCD भी है, लेकिन इसके अंदर वाईफाई नहीं है और ये 18 मेगापिक्सल है। इसकी जो प्राइस है 50,000 रुपये, 50K में है। उसके बाद हमारे पास पड़ा निकॉन का D5100 पड़ा जिसके अंदर कंडीशन 10x10 कंडीशन है और इसके अंदर माइक ऑप्शन भी है और ये रोटेटेबल LCD भी है और इसके अंदर आटो बॉक्स पॉइंट भी है और इसकी कंडीशन अगर 10x10 कंडीशन बॉडी है निकॉन का D5100, इसकी आपको प्राइस मिल जाता है। तो इसके मैंने प्राइस आपको बता दिया कि ये इसके जो प्राइस है 40K आपको मिल जाएगा निकॉन का D5100 जिसकी कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, 1855 लेंस भी साथ में आपको मिल जाता है। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है किनन का 600D मॉडल है जिसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है, ये 18 मेगापिक्सल है, उसके अंदर भी आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए भी, और ये ऑप्शन भी अच्छी ऑप्शन है, यूट्यूब के लिए भी आप यूज़ करो क्योंकि मैंने ये खुद 2 साल यूज़ किया हुआ है किनन 600D मॉडल जिसकी अच्छी कंडीशन हो तो वो बेस्ट है। और इसकी जो प्राइस आपको मिल जाता है 40K मिल जाता है 1855 लेंस के साथ और कंडीशन आप लोग के सामने साफ सुथरी कंडीशन में है।